भाषा ही भोजपुरी नहीं है, मेरी बोली क्या है, मेरी बोली ही भोजपुरी नहीं। दर्द दिल के बढ़ा के गहिल, रोग ऐसन धरा के गहिल, आइल हितई में ओ चार दिन खातिर, बाकी हल्फा मचा के गहिल। तो आपको मलिंगा भी लोग कहते हैं प्यार से, ऐसा क्यों भैया? 10 लाख वाली चेक है और एक भी रुपया लेके नहीं आए थे, लेकिन 10 लाख लेके जा रहे हैं। हाँ आए थे तो एक भी रुपया लेके नहीं आए थे, लेकिन जा रहे इतना बड़ा रकम लेकर के, तो बहुत खुशी हो रही है। 10 लाख क्या कीजिएगा इस 10 लाख का? हम चाहे के बेगूसराय का पूरा विदेश स्तर पे ले जाइए हम भोजपुरी के माध्यम से। लोग बादेत का है गारी बता दा बाबुआ। आप रो रही थी क्या? नहीं रो नहीं ना रही थी, कैसा लगा जीत? तो बहुत से घड़ा भरता है भाई, और आगे जाएंगे नेक्स्ट टाइम। सुर संग्राम के जो रनर अप है वो हमारे साथ है और बात करते हैं कैसे हैं। बेगूसराय से हैं आप और बिहार के लाल है जो दूसरे जो है रनर अप हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है कि मैं एक ऐसे जगह से आ रहा हूँ जहाँ का बोली मैं भोजपुरी है ही नहीं, वो भोजपुरी है ही नहीं, और सुर संग्राम में एक ऐसे जो रनर अप हुए हैं जिनकी भाषा ही भोजपुरी नहीं है, मेरी बोली क्या है, मेरी बोली ही भोजपुरी नहीं, लेकिन मैं बचपन से भोजपुरी सुनता आया हूँ, भजन कीर्तन में मंदिर में करता था, गाता था, और बचपन से क्लासिकल सीख रहा हूँ, तो कहते हैं कि जो क्लासिकल सीखता है वो सब कुछ गा सकता है, तो मेरे गुरु का देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। अच्छा सवाल ये है कि गुरु को आपने स्टेज पे बुलाया था, गुरु के आपने कहा कि गुरु के घर पे मैं रह के उनसे खाना खाया, उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे बचपन में, गुरु ने बताया कि बचपन में मैं इन्होंने टेक ऑफ कर लिया था, लोग हंसते थे कि भैया किसको आप ये कर रहे हैं, आपको कैसा लगता था उस समय? देखिए कभी सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे? मैं नहीं सोचा था, लेकिन मेरा सोच कुछ और भी है कि मैं इससे भी और ऊपर जाऊँ, ये ठहराव नहीं है, ये मतलब ये तो बस एक शुरुआत है, ये तो पहला सीढ़ी है जो मैं भी चढ़ा हूँ, अभी बहुत ऊपर जाना है, ये मुझे विश्वास है कि मैं ऊपर जाऊँगा। अच्छा कहा भी है जजों ने कि नील कमल सिंह जो विनर नहीं हो पाए थे, कई सारे सिंगर जो विनर नहीं हो पाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने झंडा गाड़ा है, नाम रोशन किया भोजपुरी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नील कमल जी हो गए हमारे रितेश पांडे जो कि शायद सुर संग्राम पोजिशन में ही छटा गए थे, और वो अभी सुर संग्राम में वो एज ए गेस्ट आए थे, समझ सकते हैं आप कितना बड़ा पद होता है गेस्ट का और कंटेस्टेंट का, तो गेस्ट बन गए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड की बात है। सुनाइए जो आपने हिला के रख दिया, 10 में 10 नंबर आए। देखिए मैं सुर संग्राम में मुझे बहुत बार 10 में 10 आए, बहुत बार नहीं, अभी फाइनल में जो आया आपका जो लास्ट गाना आपने गाया था फाइनल में, सोलो आपने गाया था। देखिए जो मुझे सबके तरफ से 10 मिला था, पवन सिंह जी के तरफ से 10 मिला था। पवन सिंह को मानते हैं कि नहीं? बहुत मानते हैं भाई उनको, पवन भैया पावर स्टार हैं, उनको सब मानते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ बहुत बड़े भैया को। पवन सिंह मिलेंगे तो मतलब चाहते हैं कि उनके साथ काम मिले कुछ? सबका सपना है उनका, उनके साथ काम करना, तो मेरा भी सपना है, मैं और मैं आगे चल के जरूर काम करूँगा, ये मुझे विश्वास है। सुनाइए सुनाइए फिर गाना सुनाइए। दर्द दिल के बढ़ा के गहिल, रोग ऐसन धरा के गइल, आइल हितई में ओ चार दिन खातिर, बाकी हल्फा मचा के गइल, आइल हितई में ओ चार दिन खातिर, बाकी हल्फा मचा के गइल। तो ऐसा आपको मलिंगा भी लोग कहते हैं प्यार से, ऐसा क्यों भैया? वो बाल को लेके जज करते हैं, बाल को लेके। ये बाल शुरू से शौक था बढ़ाना, क्या हुआ था, मतलब बाल बढ़ाने वाला क्या टेंडेंसी रहा आपका, बताइए? टाइम नहीं मिल पाया था कटवाने का, और कोई बात नहीं था। कितना गाने में व्यस्त हो गए कि टाइम ही नहीं मिला? नहीं मन नहीं करता था। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है, नहीं। सोचा भी नहीं है क्या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने का? नहीं सोचे भी नहीं है। कोई अगर ऑफर दे तो? उनको सेम टू यू है, सेम टू यू है। माँ पिताजी का जो है आशीर्वाद हमेशा मिलता है, आज स्टेज पे भी आज उन्होंने, वो भावुक भी हो गए थे, आपके पिता जो है वो बहुत अच्छा गाए भी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं माँ पिताजी को इस तरीके से? आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया है, आप अपने स्टेज पे फाइनल तक पहुँचे, रन अप बने, बहुत खुशी है। बहुत सारे कलाकार का, बहुत सारे अपने कह सकते हैं मेरे जैसे जितने भी हैं उनका सपना होता है कि वो माँ बाप का नाम ऊपर कर सकें, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा हूँ, बहुत खुशी है मुझे, बहुत खुशी हो रही है।
जी। अच्छा, पिताजी नाखुश तो नहीं होंगे ना रनर अप रह गए? अच्छा, मन में मलाल है कि नहीं आपके कि रनर अप रह गए, एक मौका थोड़ा सा के लिए, एक नंबर के लिए चूक गए आप? ना ना, एक ही नंबर से पीछे हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई मलाल ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं ये मैं शुरू से कर रहा था कि मेरे ये कंपटीशन मेरे खुद के साथ है, मेरा किसी के साथ नहीं है था कंपटीशन ये। बिल्कुल, चेक दिखाएं, 10 लाख वाली चेक, और ये देखिए भैया, ये 10 लाख वाली चेक है, और एक भी रुपया लेके नहीं आए थे, लेकिन 10 लाख लेके जा रहे हैं। हाँ, आए थे तो एक भी रुपया लेके नहीं आए थे, लेकिन जा रहे इतना बड़ा रकम लेकर के, तो बहुत खुशी हो रही है। 10 लाख मिला, क्या कीजिएगा इस 10 लाख का? देखिए, इससे तो पहले मैं एक जमीन खरीदूंगा और वहाँ पे एक घर बनाऊंगा। अच्छा, ये सपना है क्या, घर बनाना? बहुत सबों का सपना होता है, मेरा भी सपना है, और उसके बाद शादी वगैरह करना है। बेगूसराय में कहाँ से हैं आप? बेगूसराय में उलाव से हूँ मैं। अंगिका बोलते हैं आप, थोड़ा सा अंगिका में अपने जो दर्शक हैं जो आपके बेगूसराय या उस तरफ के होंगे, उनको थोड़ा सा संदेश दे दें। संदेश ये दे भाई हम कि बहुत खुश छे, और बेगूसराय के भी खुश होकर चाहिए कि बेगूसराय जो कि बोली भोजपुरी बोली नहीं छे, फिर भी यहाँ इतना दूर तक पहुँचल, बेगूसराय के नाम अल, बम्बई में गुंजल बेगूसराय के नाम, मनोज तिवारी जी के नाम मुँह से गुंजल, एक बहुत खुशी है। हम चाहे कि बेगूसराय का पूरा विदेश स्तर पर ले जाइए हम भोजपुरी के माध्यम से। भैया, हम समझ ही में नहीं आ रहा है कि भोजपुरी के रनर अप जो है, सुर संग्राम के रनर अप जो भोजपुरी गाना गाए हैं, और इनका अंगिका भाषा में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बिहार में हो सकता है, और बिहार जो है डाइवर्सिटी का जो है एक केंद्र है। बिहार इसलिए अनोखा है और बिहार इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि बिहार में हर कोने कोने में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, लेकिन एकता जुटता जो है वो बिहार देता है। देखिए, हमारी शारदा सिन्हा जी भी बेगूसराय की हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सुना दीजिए वो शारदा सिन्हा वाला, छठ वाला मैया, छठ मैया वाला। देखिए, वो मैथिली ज्यादा गाई हैं, ठीक है, तो वही सुनाइए ना मैथिली। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बाबुआ लोग बादेत काहे गारी, बता द बाबुआ। तो ये शारदा सिन्हा को मानते हैं बहुत बहुत, वो देवी हैं, मैं उनको, ये भी हमारे, ये लोग दरभंगा से हैं, मेरे लिए आए थे सपोर्ट के लिए आए। हम सभी फ्रेंड हैं। निराश होके तो नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ऑलरेडी विनर है, हमेशा से विनर है। जी जी जी, एकदम। अच्छा, आगे आगे क्या प्लेबैक में जाना है या सिनेमा उनेमा करना है क्या? देखिए, पहले तो ढेर सारा एल्बम करना है, मार देंगे एकदम भरपूर एल्बम, छोड़ना नहीं है भोजपुरी को। हर घर बनाने के बाद, जो छोटा मोटा घर बनाने के बाद जो पैसा बचेगा, उसका मैं पूरा एल्बम में डालूंगा, ठीक है। अब क्या आपको बड़े एल्बम के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा? आपको पैसा दे के बुलाएगा लोग महाराज, क्या बात। देखिए, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा। सुनाइए सुनाइए। कि वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे विश्राप दो, कुछ भी करो, किंतु अपने कर्म पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो मैं जो कुछ भी करूंगा अपने दम पे करूंगा। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। क्या चीज़ में, मतलब क्या उनका? एक मरवारी फार्म है, उनके यहाँ रहते हैं। उनकी मैं बता दूं आप लोगों को कि उनकी मंथली इनकम 6,000 है, मात्र 6,000। उससे कैसे आपने सीखा? आप शुरू से पैसा भी लगता होगा, बहुत कुछ स्ट्रगल भी महसूस? मैंने स्टेज पे कहा ना, मेरे गुरुजी ने मेरे से एक पैसा नहीं लिया है। गुरु हो तो ऐसा एकलव्य जो है, एकलव्य का उदाहरण आप भी दे सकते हैं। दे सकते हैं, फ्री में पढ़ाए, फ्री में सिखाए, सब कुछ फ्री में करवाया, बहुत अच्छा लगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़िए, बेगूसराय और बिहार का नाम रोशन कीजिए। जाते जाते एक पवन सिंह का गाना सुना। सनहिया लगाबल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगाबल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुड़ाबल बहुत बात होला, केहू के रुआबल बहुत बात नहीं खे, रुआ के हसाबल बहुत बात होला। आप रो रही थी क्या? नहीं, रो नहीं ना रही थी। कैसा लगा जीत? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो कौन हूँ? हाँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और मैं चाह रही थी कि ये जीते, और ये बहुत अच्छे हैं। बेगूसराय से? नहीं, मैं तो पटना से हूँ। अच्छा, कैसा लगा ये सुर संग्राम इस बार का, कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटमेंट थी। किशन कुमार थोड़ा सा पीछे रह गए, इसका मलाल भी है? कोई बात नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई।
और आगे जाएंगे नेक्स्ट टाइम, और आगे जाएंगे और आगे नाम बिल्कुल क्या और आगे। हमारे नज़र में तो किशन कुमार ही चैंपियन है, क्योंकि हमने शुरू से लास्ट तक चीज़ देखा एक ऑडियंस में बैठकर, जो अनुशासन इन्होंने मंच पर दिखाया है निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है और मेरे लिए ये विनर है। खबर में इतना ही, बाकी कई सारे मीडियाकर्मी भी आए हैं तो समय देना होगा क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी खबर में इतना ही, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप देख रहे थे आशा एक भारत, आप जरूर अपनी राय और प्रतिक्रिया देंगे। एक मजदूर का लड़का जो 6,000 जिसके पिताजी कमाते हैं वो आज रनर अप बना है और सुन संग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके धमाल मचाया है। ये बिहार की मिट्टी का कमाल, ये भोजपुरिया माटी का कमाल, ये बेगूसराय माटी का कमाल है जो कि धमाल मचाया। जय हिंद जय भारत, आप देख रहे थे आशा एक भारत, धन्यवाद।